नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है, आपकी अपनी दुकान या शोरूम है और उसके फ्रंट के भाग में एक कॉर्नर में ईस्ट यानी पूर्व आता है और दूसरे कॉर्नर में साउथ यानी दक्षिण आता है। तो ऐसे में आपकी दुकान, आपका अपना शोरूम, वो आग्नेयमुखी साउथ ईस्ट फेसिंग बन जाता है। ऐसे में आपको अपने बाहर के भाग में यानी जो आपकी दुकान के बाहर का भाग है उसका वास्तु कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसके लिए आपने करना क्या है, आपकी दुकान या आपके अपना शोरूम है और उसमें काम अच्छा नहीं चल रहा, तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन पर गौर कीजिए, विचार कीजिए और मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझिए। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय आप इजी वे में अपने यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी दुकान से, अपने शोरूम से बाहर के भाग में आ जाएं और अपनी दुकान को, अपने शोरूम को अच्छे तरीके से देखें। आपकी दुकान में, आपके अपने शोरूम में जो आपने स्टेप बनाए हुए हैं यानी बाहर गली से, बाहर सड़क से अंदर अपनी दुकान में जाने के लिए यदि आपने पौड़ी बनाई हुई है, स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर रंग कौन सा है, आपने अपने दुकान के, अपने शोरूम के बाहर जो फुटमैट रखा हुआ है, जो पायदान रखा हुआ है, उसका रंग क्या है। उसके बाद आप चेक करें आपका जो शटर है उसके ऊपर आपने कौन सा रंग किया हुआ है, और उसके बाद जो आपके शटर के साथ में जो कॉलम बने हुए होते हैं और जो फ्रंट का मत्था होता है, जो एलिवेशन होता है, उसके ऊपर आपने कौन सा रंग करवाया हुआ है। उसके बाद आप देखें आपका जो अपना बोर्ड है, जो आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से कलर है। यदि आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हुई है और उस कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है तो उसके भी रंग कौन कौन से हैं, उसको भी आप चेक करें। आपकी दुकान में, आपके शोरूम में हमेशा फ़ायदा देने वाले रंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है, आपकी दुकान के बाहर के भाग में जो कलर होना चाहिए वो हल्का हरा रंग होना चाहिए या हल्का गुलाबी, लाइट पिंक कलर होना चाहिए, बेबी पिंक कलर होना चाहिए, या आप लाइट ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप हल्का सा ब्राउनिश कलर यानी लाइट ब्राउन कलर का पेंट भी आप करा सकते हैं। कौन कौन से कलर, लाइट ग्रीन कलर, लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ऑरेंज कलर, ये कलर आप अपने फ्रंट के भाग में इस्तेमाल करते हैं। इसमें चाहे आपका पायदान हो या आपके अपने स्टेप बने हुए हो या आपका अपना जो शटर है उसके ऊपर रंग है या आपका जो अपना एलिवेशन है यानी जो आपका शटर है, शटर के साथ में जो कॉलम है और जो आपका फ्रंट का भाग बनता है, जो एलिवेशन है, उसके ऊपर भी यही कलर आने चाहिए। और इसी के साथ जो आपका नाम, जो बोर्ड, जो होर्डिंग लगा रखी है, जो ब्रांडिंग की हुई है, उसके ऊपर भी यही कलर होने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई दूसरा कलर आपकी दुकान के बाहर के भाग में आता है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ जो वर्किंग है वो वर्किंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपको पैसे के मामले में प्रॉब्लम बनी रहेगी। चाहे आपकी परचेजिंग महंगी हो, चाहे आपके यहाँ ग्राहक कम आता हो, चाहे आपके यहाँ जो माल है जब आप खरीदते हैं वो महंगी होती है और जब आप माल बेचते हैं वो माल आपका सस्ता बिकता है। आप अपनी दुकान में, आप अपने शोरूम में भले ही कोई भी काम क्यों ना करते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनके अलावा आपके फ्रंट के भाग में दूसरा कलर आ जाता है तो आपके प्रॉफिट में दिक्कत आती है, आपको प्रॉफिट प्रॉपर नहीं मिलता। आप मेरी बातों को सोचें, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है तो जो कलर मैंने आपको बताए ये कलर आप अपनी दुकान में, अपने शोरूम के फ्रंट के भाग में कर लेते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।